सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर अर्निंग वीडियो। आई होप आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी खासी रही होगी। अगर आपने आज मार्केट के अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट्स को फॉलो किया होगा तो आपने आज बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा मार्केट के अंदर से। तो एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट का मूवमेंट ओवरऑल कैसा था और जो हमने डिस्कस किया हुआ था कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स उस बार इसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, मार्केट कल क्लोज हुआ था, यानी कि जो हमने डिस्कस किया हुआ था मंडे के दिन कि मार्केट ने एक वीक में क्लोज किया है, यानी कि एक वीकनेस दिखाई हुई है। लास्ट में एक गैप डाउन पे ओपन हुआ था, यानी क्लोज हुआ था एक, अगर बात करूँ रेड में क्लोज हुआ था, नेगेटिव में क्लोज हुआ था। और यहाँ से डिस्कस हुआ था यही कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिकवर कर पाना, इसको अपसाइड के लिए जाना बहुत ही मुश्किल है, ये भी चीज़ हमने डिस्कस की हुई थी। अगर मार्केट को अपसाइड के लिए जाना है तो वेट करना पड़ेगा पहले आपको यहाँ पे, और मार्केट को एक बड़ा गैप अप देना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट करना पड़ेगा 46,150 के लेवल को। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए आज एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, करीबन यहाँ पे 500 लेवल के आसपास। यहाँ पे अगर बात करूँ तो 486 के एक गैप डाउन पे ओपन होता है, जो कि मेरा देखिए सपोर्ट यहाँ पे, मेरा फर्स्ट सपोर्ट ये था कि इसके बिलो सस्टेन करता है रेड कैंडल, इसलिए जाएंगे हम फर्स्ट लेवल के लिए। दूसरा लेवल और मेरे यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे एक और था और इसे ब्रेक करेगा तो इसलिए बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा सपोर्ट यही था कि अगर ये ब्रेक करेगा तो इसलिए आपको कम से कम मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फॉल आएगा। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया हुआ था कि मेरा 45,000 का लेवल है वो ओपन होगा अगर यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है मेरा, यानी कि 45,300 का लेवल ये सपोर्ट है, ये ब्रेक करेगा तो इजिली आपको 45,000 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। तो देखिए आज मार्केट ने क्या किया, ओपन होता है वीक में अच्छा खासा रिकवरी करने को देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए जब भी मार्केट एक बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करना करता है, या फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है तो थोड़ा सा वहाँ पे करेक्शन करता है। देखिए मार्केट ने क्या किया, आज इस लेवल पे ओपन होने के बाद एक अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला, सस्टेन नहीं करता लेवल के अपसाइड के लेवल पे, और फिर से हमें वहीं पे फॉल देखने को मिलता है। और जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे 15 से 5 मिनट कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, इजीली हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है फर्स्ट लेवल पे, इसे ब्रेक करता है और दूसरा लेवल भी अचीव होता है। यहाँ पे दूसरा लेवल को अचीव करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है मार्केट, देखिए इस वाले जोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और इसी लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए 2-3 बार मार्केट ने रिजेक्शन दिया इस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक ना करने की वजह से देखिए इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग देता है। और यहाँ से एक चीज़ हमने और डिस्कस की हुई थी, यहाँ पे देखिए ये ट्रेड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी कि मार्केट इस लेवल पे रिजेक्शन दे रहा है, कि यानी कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करता है फिर एक अपसाइड के लिए मूव करता है, और मार्केट देखिए अपसाइड पे जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल रही है, यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये बन रही है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है कि सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करे थोड़ा सा इस लेवल के आसपास आए और फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। यानी कि कल का अगर मैं बात करूँ मूवमेंट की तो कैसा देखने को मिल सकता है, एक चीज़ और डिस्कस करूँगा यहाँ कि मार्केट के अंदर आप अगर यहाँ पे खोज रहे हो 0-0 ट्रेड्स यहाँ पे एक्सपायरीज के अंदर, तो हम क्या देखते थे पहले कि मार्केट के अंदर क्या होता था कि एक्सपायरीज होती थी मिनिमम 1-2 दिन, निफ्टी की डिफरेंट डी होती थी और बैंक निफ्टी निफ्टी की एक दिन होती थी। तो पहले क्या होता था कि कम से कम वीक में 2 दिन एक्सपायरीज आती थी तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता था, मार्केट 1-2 दिन कंसोलिडेट करता था, क्योंकि मार्केट लगातार ट्रेंडिंग नहीं होती, मार्केट होती है तो 1-2 दिन मार्केट ट्रेंड में मूव करती है और 2-3 दिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होती है, कंसोलिडेट करता है लेवल्स पे, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, पैनिक लेवल्स होते हैं, और वहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा एक्सपायरी के दिन हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है, जिससे हमें अच्छा खासा कैपिटल को डबल ट्रिपल करते हैं, 0-0 ट्रेड्स के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर डेली एक्सपायरीज आ रही हैं तो पॉसिबल नहीं है कि डेली हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा पैनिक लेवल जो मेरा होता है डेली ब्रेक करे, वो पैनिक ना करे बिल्कुल भी और उस लेवल को ब्रेक करते मार्केट, तो इतना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम वेट करते हैं जो 0-0 ट्रेड्स का, तो डेली पॉसिबल नहीं होता, हमें ट्रैप नहीं होना है। अगर आया मूवमेंट 0-0 ट्रेड्स के अंदर तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे, अदरवाइज हम जबरदस्ती किसी ट्रेड्स के अंदर 0-0 से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसा कि आज अगर मैं बात करूँ आज क्या देखने को मिला हमें लास्ट में, देखिए मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे साइडवेज रहा, कल भी पूरा का पूरा कंसोलिडेट रहा, साइडवेज रहा, लास्ट में थोड़ा सा मोमेंटम जरूर देखने को मिला था, लेकिन एक्सपायरी सेटअप इतना अच्छा नहीं बना था। लेकिन देखिए जब मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आता है तो वहां पे एक्सपायरी सेटअप बनेगी, जैसा कि पहले होता था कि मार्केट 2-3 दिन कंसोलिडेट करता था, अच्छा खासा मार्केट एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट करता था किसी लेवल पे, तो अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिलता था 100-150 पॉइंट्स का 0-0 ट्रेड्स के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है, डेली एक्सपायरीज हो रही है तो डेली हम सेम लेवल पे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना सकते, हमें वेट करना पड़ेगा उस वाले अच्छे दिन का, उस वाले पैनिक लेवल को जब मार्केट ब्रेक करे या फिर रेजिस्टेंस को, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक करे, तब जाके हमें 0-0 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, अदरवाइज हम वेट ही करना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्सपायरी के अंदर हमें डेली कैपिटल डबल ट्रिपल नहीं हो सकता, डेली
नहीं हो सकता है, हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 5 में से 2 से 3 दिन, कम मिनिमम 2 दिन हमें देखने को मिल सकता है कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। जैसा कि देखिए पिछली अगर मैं बात करूँ कुछ ट्रेडिंग सेंसेस में क्या देखने को मिला था, मार्केट ट्रेंडिंग में थी तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, डाउन ट्रेंड में था लास्ट में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन 2 दिन देखिए कंसोलिडेट रहा, 2 दिन यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट रहा, आज भी कंसोलिडेट रहा इस लेवल के अंदर। तो हो सकता है कि कल अच्छा खासा मोमेंटम आ जाए, हो सकता है कि कल और परसों अच्छा खासा मोमेंटम आ जाए, यानी कि हमें बस वेट करना पड़ेगा उस मोमेंटम को कैच करने का, ना कि हमें डेली एक्सपायरीज के अंदर कैपिटल डबल ट्रिपल करना है, बस हमें उस वाली एक्सपायरी के अंदर पैसा बनाना है जिस वाली एक्सपायरी के अंदर मार्केट ट्रेंडिंग में हो उसी में, ना कि साइडवेज मार्केट के अंदर। हमें जैसा कि मार्केट के हम अंदर अभी फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट 20 से 25 रुपए पर रहती है, वो 5 से 6 पॉइंट ऊपर जाती है और वहीं से रिजेक्शन ना देकर वहीं से फिर से फॉल करता है और फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 5 से 6 पॉइंट, फिर से फॉल करेगा, यानी कि दोनों तरफ प्रीमियम डीके होता है और हम यहाँ पे साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि मार्केट अगर 20 रुपये से ब्रेकआउट देता था तो कम से कम वो 30 से 40 रुपये जाती थी और ऐसा हमें पूरा होल डे देखने को मिलता था। लेकिन अब है कि लास्ट में थोड़ा सा मोमेंट आ जाता है और पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज होता है, तो बस वेट करना है हमें राइट टाइम का, राइट मोमेंटम का। 1 से 2 दिन मार्केट साइडवेज रहेगा लेकिन 3रे 4 दिन अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, तो बस उसी 2-3 दिन के अंदर हमें प्रॉफिट्स बनाना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कल कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है मार्केट। तो सिंपल यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर 45,435 का रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करेगा तो इजीली जाएंगे हम फर्स्ट लेवल के लिए अपना 45,630 के लेवल के अराउंड। यहाँ पे अगर ये ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस तो जाएंगे 45,880 के अराउंड और यहाँ पे थर्ड लेवल की बात करें तो अच्छा खासा मार्केट ट्रेंडिंग में रिकवर कर सकता है मार्केट के अंदर अपसाइड में, यानी कि 46,650 के अराउंड। और मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ पे 45,300 का सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा, जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट ही है। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल में क्लोज करता है और पैनिक यहाँ पे ना बनाते हुए यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है, तभी हम जाएंगे पुशआउट के लिए, ना कि मार्केट अगर कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे तो समझ जाइए कि वहाँ से पैनिक बन रहा है और हो सकता है कि मोमेंटम के साथ अपसाइड के लिए भाग जाए, यानी कि वेट करना पड़ेगा इस लेवल को। ब्रेक करते ही जाएंगे फर्स्ट लेवल के लिए, 45,090 का मेरा पहला लेवल होगा, इसे ब्रेक करते ही 44,800 का आपको दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। बट यही दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।